हेलो शिवम, क्या जो बिना नाम का है उसको मैं एंट्री नहीं दूंगा। एक व्यक्ति है और वो जो भी हो मुझे मालूम नहीं। मैंने कई बार बोला है अपना अपना नाम रख लीजिए, क्योंकि सुरक्षा उसी में उसकी भी है हमारी भी है। प्रज्ञा राजपूत कैसे हैं? तो आप लोगों ने कुछ कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुछ बताएंगे? हम कह रहे हैं कुछ बताएंगे आप लोग? शिवम हेलो, निर्देश दुबे, मनीष कुमार, क्या आप आज आ रही है आप लोगों का? कामिनी आराधना आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो? यस तो कल क्या पढ़ाई लिखाई की? कल कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा? कामिनी नींद में रहते हो क्या तुम लोग? शिवम तुम बताओ, तुमने क्या पढ़ा कल? रिवाइज किया कुछ? बताओगे? बोलते नहीं हो, ये समस्या है। इंटरेक्टिव क्लास नहीं होगी तब तक ना कुछ सीख पाओगे और ना कुछ हम सिखा पाएंगे। प्रतिभा बताएंगे क्या पढ़ा आपने कल? रिवीजन किया कल का? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने हैं आज हमको सभी को। हनीफ खान, हम ये कह रहे हैं कि ये दो तीन लोग पता नहीं कौन हैं, बिना नाम के हैं और शॉर्ट में नाम लिखे हैं, कहीं उल्टा सीधा नाम लिखे हैं, मैं उनको इंट्री दे दूंगा ही नहीं, वेटिंग में रहेंगे। देखिए कौन है पता नहीं, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ। ये दो लोग हैं जाने कौन है बिना नाम के। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। जितने लोग आ गए, जितने लोग आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आ जाएंगे अच्छी बात है, सीखना होगा जिसको। ठीक है, तो हम, ये है हमारी किताब, ये है हमारी किताब, इसको रखते हैं साइड में। तो इस समय आप जो देख पा रहे होंगे वो कहाँ तक हो गए थे? दो 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 क्वेश्चन करवा दिए थे शायद, एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा तीसरा नहीं हुआ था, एग्जाम्पल हो गए थे पहले दूसरे शायद। क्यों, सही कह रहे हैं? क्या भाई, क्या हम कह रहे हैं एग्जाम्पल हो गए थे कल? कितने क्वेश्चन हुए थे टोटल?
एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, इसके अलावा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन, और हम आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। और आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो सच में थोड़ा सा जटिल टाइप के हैं, तो कौन कौन क्वेश्चन करने हैं हमको, एक करना है पेज नंबर 675 पर क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13, पेज नंबर 676 पर उदाहरण नंबर 14, और एक्सरसाइज 24.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये चार क्वेश्चन करने अच्छे से, ठीक है, ये चार क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। तो चलो करते हैं। जी बताएंगे लोग कौन है, हैं? अब कौन है, कौन है? योगेश कुमार है और एक फ्रेंड्स है, जो भी है। इनको हिंदी में समझ में नहीं आता, जब मैंने कई बार बोला है कि नाम रखे अपना, ये यू ई आर जे कौन है जी, बताओगे? नहीं तो अभी भी आपको बाहर किया जाता है। वाई के का योगेश कुमार है और ऊपर वाला वो है प्रिंस। प्रिंस क्या आप सुन पा रहे हैं? देखो सुरक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत जरूरी थी, और जूम की ये पॉलिसी है कि यदि बिना नाम का कोई व्यक्ति आता जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिक पर्सन हो। तो पहले अपना नाम बदलें, फिर आप क्लास में आए, सुरक्षित रहें। सिंपल सी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपको बोला गया है कि अपना नाम बदले। अब कोई रख लेगा बराक ओबामा, तो क्या हम बराक ओबामा बन जाएगा? तो हम उदाहरण नंबर 13 पढ़ते हैं। कहां पर उदाहरण नंबर 13? अच्छा आगे, बिना नाम के एक भी व्यक्ति नहीं आएंगे, ये है उदाहरण नंबर 13। अच्छा सवाल है, आएगा तो सीधा 8 नंबर का आएगा परीक्षा में आपकी। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? हम कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, यस सर। अभी करते हैं, ये मैंने कट कर लिया, अलग हो गया, अब इसको करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि जो भी बिना नाम का व्यक्ति होगा, यदि आपसे फोन करके पूछता है कि हमें क्यों नहीं उसने एंट्री दी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है? ये आपका भी काम है कि क्लास स्मूथली चले। अभी एक दिन, परसों के दिन कोई व्यक्ति था जो अपना नाम लिखा था ब्राह्मण, बड़े आए ब्राह्मण। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसको पढ़ें थोड़ा, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। मुश्किल से यदि पूरी लाइन में लिखा जाएगा तो 2 लाइन में आ जाएगा या 1.5 लाइन में, लेकिन ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है टोटल, आएगा कभी तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो पढ़ें थोड़ा सा, क्या कह रहा है ध्यान से, कि ए और बी दो लोग हैं, और ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। गेम क्या है? गेम है आपका कि एक पासा के जोड़ा, पासे का जोड़ा, एक पासे का तो जोड़ा होता नहीं है, एक पासे का जोड़ा का मतलब है कि दो पासे है, नहीं दो पासे फेंकते हैं, ठीक है? मतलब कि जैसे अपन वो खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, तो उसमें एक मतलब पासा होता है तो उसको फेंकते हैं, और इनके पास दो हैं तो वो दोनों फेंकते हैं एक साथ। तो जब दोनों फेंकते हैं तो ये बताओ, आगे पढ़ो, जो उस व्यक्ति द्वारा जीता जाता है, जो गेम है इनका, कौन जीतता है? जो पहले पहले 10 का योग प्राप्त कर ले। अच्छा गेम है जी, दो पासे फेंके, हो सकता है एक पर 2 आ गया हो, एक पर 3 आ गया हो, तो योग कितना हो गया? 5।
यदि किसी पर एक पर चार आ गया हो, एक पर पांच आ गया हो, तो योग कितना हो गया? नौ हो सकता है। एक पर पांच आ गया हो, दूसरे भी पांच आ गया हो, तो योग कितना हो गया? दस। तो जिसने फेंके थे, जब पांच पांच आया, दस मिल गया योग, तब तब वो जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? दोनों एक एक बारी से चलेंगे ना, या तो ए गेम को शुरू करेगा या बी गेम को शुरू करेगा। मतलब पहली चाली तो कोई ना कोई चलेगा, जब पहली चाली पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरी चाली चलेगी। इसमें दिया गया है पहले से कि ए खेल प्रारंभ करता है, मतलब कहने का यह है कि शुरुआत जो करता है वो कौन करता है? ए। ए ने मान लीजिए पांच से फेंके दोनों, और योग उसे दस मिल गया। योग क्या मिल गया? योग उसे दस मिल गया। इसका मतलब ये है कि योग उसे दस मिल गया का मतलब क्या है? इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। योग दस मिल गया का मतलब है कि वो जीत गया। ए ने शुरू किया गेम। गेम क्या है? दो पांच से फेंकना, और फिर उनके ऊपर जो योग आ रहा दोनों अंकों का, उन अंकों का योग यदि दस आ जाए तो वो जीत गया। मान लीजिए ए ने शुरू किया और दस आ गया, पहली बार में आ गया, तो खेल खत्म हो गया। बी को चाली का मौका ही नहीं मिला। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है? ए ने शुरू किया, दस नहीं आया योग, तो फिर बी चलेगा। तो बी चलेगा तो मान लीजिए बी का दस आ गया, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, दोनों बातें। तो यदि दूसरी बार चल ए नहीं जीता तो फिर बी चलेगा, और बी चलेगा और उसका दस आ गया तो बी जीत जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ मान लीजिए, तो ए ने चला दस नहीं आया तो ए हार गया, तो फिर बी ने चला दस नहीं आया तो फिर हार गया बी, तो फिर कौन चलेगा? ए चलेगा। अब ए जीत गया, तो ए एक सीक्वेंस बनेगा, उसको मैं इन डिटेल में लिख रहा हूँ। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर यदि हम एस समुच्चय की बात करें तो कितने आउटकम होंगे टोटल? हम लिखेंगे नहीं आज, केवल यहाँ पर कितने होंगे? छह गुणा छह, 36 आउटकम होंगे बिना रोक टोक के। जब दो पांसे फेंकते हैं, जब हम दो पांसे फेंकते हैं तब टोटल आउटकम है कितने मिलते हैं? 36, है नहीं? अब बात आती है कि घटना ई। ई क्या है? ई एक ऐसी घटना है जो कि 10 जीतना, मतलब गेम का जीतना। अब गेम कब जीता जाता है? जब जब 10 प्राप्त होगा। तो 10 प्राप्त ए को भी हो सकता है, 10 प्राप्त बी को भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ए भी पांच सौ फेंक रहा तो ये 36 आउटकम आ सकते हैं, बी भी पांच सौ फेंक रहा तो ये 36 आउटकम आ सकते हैं। तो 36 में 10 का योग कितनी बार होता है वो सब पता करते हैं। तो ई का मतलब है 500 पर अंकों का योग 10 प्राप्त होना, है नहीं? दोनों 500 पर, दोनों 500 पर आए अंकों का योग 10 प्राप्त होना, 10 प्राप्त होना, दोनों 500 पर आए अंकों का योग 10 प्राप्त होना। अब ये कौन कौन होंगे? ये कौन कौन होंगे, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये कौन कौन होंगे? ये होंगे आपके 10 अंक करने हैं, तो हो सकता है कि पहले पे चार आ गया हो, दूसरे पे छह आ गया हो, ऐसा हो सकता है, तो 10 मिल जाएगा। हो सकता है कि पहले पे पांच आ गया हो, दूसरे भी पांच आ गया हो, तो 10 मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर छह आ गया हो, दूसरे पर चार आ गया हो, तो भी 10 मिल जाएगा। और कोई होगा जब हमें योग 10 मिलेगा? और कोई होगा जब हमें 10 मिलेगा? और कोई नहीं होगा? और कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये ई सेट मिल गया, ई सेट मिल गया। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एन ई कितना है एक प्रकार से, यदि ई के बारे में बात करें तो एन ई कितना है एक प्रकार से? 3। फिर से मैं आपको शुरू से बताऊं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है? दो पांचों का फेंकना, और जब दो पांचे फेंकेंगे तो दोनों पांचों पर ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अंक मिलेगा। जब जब अंक 10 मिलेगा तब तब
वो व्यक्ति जीत जाएगा जिसने 10 पाया है, जिसके फेंकने पर 10 आया है। ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है। गेम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। गेम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो एस आपका हो गया बिना रोक टोक के कि कितने आउटकम आएंगे, तो ये हो गया 36। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है कि दोनों 5 से पर आए अंकों का योग 10 प्राप्त होना। तो 10 कब कब आ सकता है? या तो 4-6 या 5-5 या 6-4, तो तीन आउटकम है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है थोड़ी देर के लिए, उसकी सामान्यता जीतने की प्रायिकता क्या है? मान लीजिए जिसका भी 10 आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो ई प्रायिकता, यदि ई निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा? एन ई अपॉन एन एस, मतलब 10 आने की प्रायिकता निकालें। 10 आने की प्रायिकता मतलब जीतने की प्रायिकता, क्योंकि जिसका 10 आ जाएगा वो जीत जाएगा। एन ई कितना है? 3/36। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा प्रायिकता ई की? वो आएगा 1/12। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने 5 से दोनों फेंके, किसी एक व्यक्ति ने, ए ने या बी ने 5 से फेंके और दोनों पर जो अंक आए उनका योग 10 नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं? 36। उनमें से 3 ही तो ऐसे आउटकम हैं जिन पर 10 प्राप्त होता है। तो ऐसे कितने हैं जिन पर 10 प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई डैश कहें या ई बार कहें। उसका क्या मतलब होता है? कि दोनों 5 से पर आए अंकों का योग 10 प्राप्त ना होना। लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों 5ों पर आए अंकों का योग 10 प्राप्त ना होना। ध्यान देखो, ना होना, क्योंकि ये आपकी घटना ई है, तो इसका जो पूरा घटना होगी वो क्या होगी? ना होना। इसका होना मतलब ना होना। तो ना होना की प्रायिकता निकाल ली है, क्योंकि सब विश्लेषण करना पड़ता है ना। 1 प्रायिकता ई होने की, एक में से होने की घटा देंगे तो 1-1/12 तो कितना आ जाएगा प्रायिकता किसकी? 10 प्राप्त ना होने की, वो आ जाएगी 11/12। कितना आ जाएगी? 11/12। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो सर। अब आगे, अब या तो ए जीतेगा या हारेगा, इसी तरीके से या तो बी जीतेगा बी हारेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के जीतने हारने की अलग अलग प्रायिकता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक ए के बारे में चर्चा करते हैं, ए के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ से ए के बारे में। तो ए का मतलब है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए का मतलब है आपका कि जो खिलाड़ी ए है उसका जीतना। ए का मतलब क्या है? ए का जीतना। ए का जीतने का मतलब है कि ए ने दोनों 5 फेंके तो कितना आया योग अंकों का? 10, तभी तो जीतेगा। तो ए का मतलब है, ए का खेल जीतना, जीत जाना है नहीं। और इसी का क्या मतलब है फाइनली, कि ए के द्वारा फेंके गए 500 पर अंकों का योग कितना आया? ए का खेल जीत जाना का मतलब है कि योग 10 प्राप्त होना। ए कब जीतेगा? यदि ए खेल जीत जाता है, इसका मतलब उसके अंकों का योग कितना आया? 10 होगा, नहीं होगा? तो यहां पर लिखेंगे योग का 10 प्राप्त होना, योग का 10 प्राप्त होना, ठीक है। अब ये बताओ, बिना रोक टोक के ये बताओ कि प्रायिकता ए के जीतने की कितनी होगी? प्रायिकता ए के जीतने की कितनी होगी? तो देखो,
पहली बार दोनों पांच फेंके उसने, पहली बार कोई रोक टोक नहीं थी, 36-8 रन में से कुछ भी आ सकता था। लेकिन जब जब ये तीन आउट कम आएंगे, जब जब ये तीन आउट कम आएंगे, तब तब वो जीत जाएगा। तो एक जीतने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, कुल जीतने के चांस कितने हैं, तीन, टोटल कितने हैं, 37। तो जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, एक बटे बारह। और यदि यहीं से हम निकालें क्या एक ना जीतने की, तो एक ना जीतने की निकालेंगे तो कितनी आएगी बताओगे, एक माइनस एक बटे बारह। लिख देता हूँ पूरा, आप लोग गलत ना कर लियो, लेकिन आपको ये जरूर देखना होता है कि किसके बाद क्या लिख रहे हैं। कभी कभी पेन एन भी चला लिया करो, केवल सुनते ना रहा करो। लाल पेन, चलो कस्टम देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं प्रायिकता किसकी, ए बार। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है खेल का जीत जाना, तो ए बार का क्या मतलब होगा, खेल का ना जीत जाना। तो मैं यहाँ पर ए बार का डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ, ए बार का मतलब है कि ए का खेल ना जीत पाना, ना जीत पाना, ना जीत पाना, ठीक है, ना जीत पाना। इसका मतलब क्या है, ना जीत पाना का मतलब क्या है कि योग का 10 प्राप्त ना होना, योग का 10 प्राप्त ना होना, ठीक है, ठीक है। तो या तो होगा योग 10 या नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों पूरक घटनाएं हैं। इसका मतलब यहाँ से हम पी ए बार निकालना चाहें तो कितना लिखेंगे, 1 माइनस पी ए कितना है, 1/12। तो ये कितना आएगा, पी ए बार आपको कितना आएगा, 11/12। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार बी के बारे में चर्चा करें, बिल्कुल इसी प्रकार बी के बारे में चर्चा करें, तो बी, बी का हमने बी एक घटना का नाम दिया, वैसे वो व्यक्ति का नाम है, तो हमने बी का घटना का नाम दिया। तो बी का मतलब क्या है, बी का खेल जीत जाना, बी का खेल जीत जाना, बी का खेल लिख, अरे आज क्या लिख दिया, बेल नहीं, खेल, ठीक है ना, खेल जीत जाना। बी कब जीतेगा, जब योग योग का 10 प्राप्त होना, ठीक है। अब योग तो अब दोनों पास से ए फेंक रहा, दोनों पास से बी फेंक रहा, तो दोनों के लिए टोटल आउटकम 36 हैं, कोई भी फेंके 36 आ सकते हैं। लेकिन ए जीतेगा जब ये तीन लोग आ जाएंगे कोई भी, ठीक है, बी जीतेगा जब ये तीन लोग आ जाएंगे कोई भी, तो योग का 10 प्राप्त होना, बी की प्रायिकता हम लिख रहे हैं यहाँ पर, बी का मतलब है बी के जीतने के चांसेस टोटल कितने हैं, 3/ टोटल कितना आउटकम है, 37। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्रायिकता बी की, प्रायिकता बी की कितनी आ जाएगी, 1/12। तो बी डैश का क्या मतलब हुआ, या बी बार का, बी बार का मतलब हुआ कि बी का खेल ना जीत पाना, ना जीत पाना। अब इसका मतलब क्या है, ना जीत पाना का मतलब उसका योग है, जो योग का 10 प्राप्त ना होना, योग का 10 प्राप्त ना होना, योग का 10 प्राप्त होता तो जीतता, यही तो कंडीशन है, नियम है ये खेल का। तो या तो योग प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा, तो ये दोनों घटनाएं भी कैसी गई, ये दोनों घटनाएं भी कैसी गई, पूरक घटना। इसलिए ना जीत पाने का प्रायिकता निकालने के लिए एक में से जीत पाने की प्रायिकता घटाएंगे तो कितना आएगा, प्रायिकता ना जीत पाने की किसकी, बी की, वो आएगी 11/12। यहां तक किसी को कोई समस्या, प्रज्ञा, हृदय, शिवम, मनीष,
कामिनी प्रतिभा सौरभ हनीफ खान, यहाँ तक किसी कोई समस्या? सहजल राजपूत, यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। यही यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, तभी आगे बात समझ में आएगी। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, एक का जीतना मतलब घटना ए बार, बी का जीतना मतलब बी, बी का हारना मतलब बी बार। ये सारी घटनाएं इंडिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा सोचो कि मान लीजिए आप में से कोई दो लोग खेल रहे हैं आपस में गेम, तो पिछली बार क्या आया था, इसका अगली बार क्या आएगा, कोई लेना देना होता है क्या? पिछली बार जोड़ 3 आया था, अगली बार जोड़ 8 आया, कोई लिंक होता है क्या इनके बीच में? कोई लेना देना नहीं होता। क्यों हनीफ खान? तो ए बार, बी बी बार, ये तीनों चारों घटनाएं कैसी हैं? यहां से दिमाग लगाएंगे या यहां लिखेंगे कि कॉमन सेंस से, हमारे दिमाग से हम जानते हैं कि व्यवहारिकता से कि यहां पर जो ये घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं? ए मतलब ए का जीतना, ए बार मतलब ए का हारना, बी मतलब बी का जीतना और बी बार मतलब बी का हारना, सभी की सभी कैसी घटनाएं हैं? सभी इन सभी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कुछ समझ रहे हो ये बात? आपने पिछली बार 5 फेंका था, 3 आया था, तो ये क्या ये गारंटी है कि अगली बार 3 का गुणक आएगा या फिर 4 आएगा? कोई गारंटी नहीं, इसलिए ये स्वतंत्र घटना है। एक बात, अब गेम शुरू किसने किया? गेम ए ने शुरू किया, प्रारंभ किया। जीत की प्रायिकता निकालनी है, किसकी किसकी? ए की अलग निकालनी है, बी की अलग निकालनी है। ए की अलग निकालनी है, बी की अलग निकालनी है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, अब इसमें एक कंफ्यूजन जनरेट होगा, वो मैं तब बताऊंगा जब ये सवाल पूरा कर लेंगे। क्योंकि यदि मैंने अभी बता दिया तो जितना समझाया है हो सकता है आप सब भूल जाए। तो अब आगे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें निकालना क्या है प्रश्नानुसार में, समझ लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें यहाँ पर निकालना क्या है? सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है कि प्रायिकता निकालनी है, किसकी निकालनी है? ए की जीतने की, एक ही जीतने की। यदि गेम केवल एक बार होता है तो एक ही जीतने की कितनी है? 1/12। यहां पर है मुख्य बात समझने वाली, यदि यदि गेम केवल एक बार होता है तो जो शुरू करेगा हो सकता है उसका 10 आ जाए, तो वहीं गेम खत्म, तो वहीं पर गेम खत्म। हो सकता है जो शुरू करे, एक सेकेंड, हो सकता है जो शुरू करे उसका 10 ना आए तब दूसरा चलेगा, हो सकता है दूसरा जो चला उसका 10 आ जाए तो गेम खत्म। हो सकता है कि पहला चला 10 नहीं आया, दूसरा चला 10 नहीं आया, तो फिर तीसरी बार कौन चलेगा? पहला चलेगा, उसका 10 आ गया तो गेम खत्म। मतलब जब जीतेगा जो वहीं खत्म। कुछ समझ रहे हो? गेम समझ में आया क्या है? तो अब मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, वो समझना। ए की जीतने की निकालनी है, शुरुआत कौन कर रहा है?
ए कर रहा है, तो ये हो सकता है और ए शुरुआत कर रहा, ध्यान से देखो ये लिखा ए शुरुआत कर रहा एक बात, और ए के ही जीतने की निकाल ली है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा चांसेस ए को मिल रहे हैं, हो सकता पहली बार ही जीत जाए, ए को बेचारे को मौका ही ना मिले, कोई बात नहीं। तो देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि ए की पाली भाई शुरुआत की पहली पाली भाई ए ने चला और ए ही जीत गया, ऐसा हो गया तो ए की प्रायिकता होगी। इसको कुछ इस तरीके से लिखें, ठीक है, प्लस प्लस ऐसा भी हो सकता है कि प्रायिकता पहली बार ए ने चला और वो हार गया, फिर बी ने चला वो भी हार गया, तब फिर ए ने चला वो जीत गया, तब वो जीत गया, क्योंकि हमें ए को जिताना है ना, तो ए कब कब जीतेगा, पहली बार जीत सकता है, तीसरी बार जीत सकता है, पांचवी बार जीत सकता है, सातवीं बार जीत सकता है, क्योंकि ए की शुरुआत है तो ए का जो सीक्वेंस नंबर रहेगा चलने का चाल का वो क्या रहेगा, विषम, पहली बार चला फिर दूसरी बार बी चलेगा फिर तीसरी बार ए चलेगा फिर चौथी बार बी चलेगा फिर पांचवीं बार ए चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि पहली बार में ए जीत गया, गेम खत्म। इसका क्या मतलब है कि ये पहली बार चला ए हार गया, फिर बी चला वो हार गया, फिर ए चला तब ए जीता। अगला टर्म क्या लिखूंगा, प्रायिकता ए हार गया बी हार गया फिर ए चला वो भी हार गया फिर बी हार गया और फिर ए जीत गया। गेम है कौन खत्म होना है, खत्म कब होना है, जब कोई जीतेगा, लेकिन हमें जिताना किसको है यहां पर, ए को, तो बी को क्या करना होगा, हराना, लेकिन सीक्वेंस तो चलता ही रहेगा ना, क्या भाई लोग कुछ पता चल रहा है, ये आधे लोगों के फ्यूज उड़ गए होंगे, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन, कितने हो गए थे यहाँ पर, पांच ही चाल, पांच चाल हो गई थी, पांच बार में ये जीता था, यहाँ पर तीन बार में ये जीता था, यहाँ पर एक बार में ये जीता था, यहाँ पर कितनी बार में जीतेगा, सात बार में, लिख देता हूँ मैं एक टर्म और, तो चार बार हो गया जी, चार बार चारों हार गए, फिर पांचवी बार चला वो हार गया, फिर छठवीं बार चला तो ये हार आ गया, और फिर कहीं आपका ए जीता, और इस तरीके से ये चलता रहेगा लगातार, कहां तक, अनंत तक। ऐसा भी हो सकता है कि कभी दस आए ही नहीं, या आए तो बहुत दूर आए, मान लीजिए 10,000 चाल के बाद आई, 10,000 एक वी चाल आई, जब ए का 10 प्राप्त हुआ, ऐसा हो सकता है ना। यदि कहीं किसी को डाउट है तो यहां पर चर्चा कर सकता है, केवल सुनने और चले जाने से और जुड़े रहने से कुछ नहीं होता है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं देख रहा हूं कि एक एक करके जा रहे हो, मुझे पता है कि तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, समझ में आएगा तो इंटरव्यू करेगा। हाँ जी सर, ये वाली लाइन एक बार और बता दीजिए। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोग हैं, एक गेम है, गेम क्या है, दो पांसे फेंकना, पांसे फेंकने के बाद दो अंक आएंगे उनको जोड़ के देखना, जोड़ यदि 10 आ गया तो उसका जीतना, शुरुआत ए कर रहा है और जीतने की प्रायिकता ए की निकाल रहे हैं हम, तो हो सकता है कि पहली बार में ही वो जीत गया हो, हो सकता है कि पहली बार में ही वो जीत गया हो, तो ये पहली चाली है, हो सकता है कि पहली बार ये दूसरी है पूरी, पहली बार मतलब ये पहला राउंड था तो पहली बार जीत गया, हो सकता है दूसरा राउंड है, ये कौन सा राउंड है, दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड का मतलब है ए हार गया फिर बी ने चला बी भी हार गया फिर ए ने चला ए जीत गया, ये तीसरा राउंड है पूरा, ये कौन सा राउंड है, तीसरा, तीसरे राउंड का मतलब है ए हार गया फिर बी हार गया फिर ए हार गया फिर बी हार गया, ए जीत गया, क्योंकि हम निकाल किसकी रहे हैं, ए की, इसलिए हम किसको बार बार जिता रहे हैं, ए को। पहला सवाल है जी, ये कौन सा राउंड है, ये चौथा राउंड है, चौथे राउंड में क्या है, ये ए हार गया फिर बी हार गया फिर ए हार गया फिर बी हार गया फिर ए हार गया फिर बी हार गया और फिर ए जीत गया, इस तरीके से ये राउंड आपके लगातार चलते रहे, हो सकता है कि पांचवी राउंड में कोई जीते, हो सकता है कि हजारवीं राउंड में जीते, तो हमें तो कुल प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना,
कि ए के टोटल चांस कितने हैं जीतने के, ए के टोटल चांस कितने हैं जीतने के, ठीक है? कुछ पता चला? जी सर। हाँ, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टी ए, ए के जीतने की प्रायिकता इंडिविजुअली पहली पारी में कितनी थी, 1/12 प्लस। अब दूसरा राउंड के लिए लिखते हैं, दूसरे राउंड में कितनी प्रायिकता है उसकी, अभी रुक जाओ मुझे एक एक टर्म तो लिखने, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो एक एक चीज तो मैं भूल ही गया लिखना, वो ये है कि क्योंकि हमें मालूम है कि ए ए डैश बी बी डैश कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, पी ए प्लस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी ए, लिख सकते हैं कि नहीं, स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, गुणन प्रमेय से, प्रायिकता की गुणन प्रमेय से, प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी बार इंटू प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी बार इंटू प्रायिकता ए, इसी तरीके से अगले के लिए। शिल्पी माइक बंद रखो अपना, प्रायिकता ए बार प्रायिकता बी बार प्रायिकता ए बार और प्रायिकता बी बार प्रायिकता ए बार और प्रायिकता बी बार इंटू प्रायिकता ए, ध्यान से देख लो, ज्यादा ना लिख देना, ए बार बी बार ए बार बी बार, तो ए बार बी बार ए बार बी बार ए बार बी बार प्लस आगे डैश 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 इनफाइनाइट। ऐसा क्यों लिख पाए, मतलब इस स्टेप से इस स्टेप कैसे आ पाए, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रायिकता के गुणन प्रमेय क्या होती है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, कि दो घटनाओं का एक साथ घटने का प्रायिकता क्या होती है, पी ए इंटू पी बी होती है, नहीं होती है, ये आपको गुणन प्रमेय बताई गई थी जब आपको पढ़ाया गया था, सब कुछ बताई गई थी, नहीं बताई गई थी, तो दो के लिए है तो दो का गुणा हो जाएगा, तीन के लिए तो तीन का गुणा हो जाएगा, चालीस के लिए तो चालीस का गुणा हो जाएगा। अब हमें लिखना है इन सबकी वैल्यू, तो चलो लिखते हैं। तो पी ए बताओ कितना है, ऊपर निकाला था 1/12, कहाँ है ये है, और आगे पी ए बार कितना है, पी ए बार किधर है, पी ए बार ये है, पी ए बार 11/12 गुणा पी बी बार ये है 11/12 इंटू ए कितना 1/12 प्लस ए बार 11/12 बी बार 11/12 ए बार 11/12 और फिर बी बार 11/12 और फिर ए तो 1/12 प्लस, इसी तरीके से आगे लिखना है यहाँ पर, ये नहीं कि छोड़ देना आलस आ गया कौन लिखे, मजदूर लगा लो, ये नहीं लिखना है तो वो पढ़ता रहेगा 11/12 और कितनी बार हो गया, दिमाग का दही हो गया, तलक लिख दिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हो गया, और सातवीं बार क्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए, अब आएगा 1/12 और ये प्लस से लेकर इनफाइनाइट। ये तो बड़ी खतरनाक सीरीज बन गई, क्या बन गई, सीरीज बन गई। अब मैं इस ऊपर थोड़ा सा जगह बना लूं तभी तो लिख पाऊंगा।